इतनी खामोशी क्यों है भैया? बहुत हो चुकी है खामोश पिताजी, बहुत हो चुकी है खामोश पिताजी। इस जमाने में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, पर जो लोग राजस्थान की चौथी कन्वेंशन में आने के बाद भी कोहराम नहीं मचाएंगे उनको तो अब राम ही बचाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग राजस्थान। तो पहले मैं मैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस पर्सन का जिसकी वजह से मैं इवेंट के अंदर आया या फिर कैसे स्टेट का पार्ट हूँ। और शायद ये भी कहूँ तो गलत नहीं है कि आज किसी भी जगह पे अगर मेरा थोड़ा सा भी वजूद बन पाया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ वही इंसान है। तो एक बार जबरदस्त बात होनी चाहिए मिस्टर प्रशांत मीना जी के लिए। सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन 2000 पॉइंट मेरे हैं, मैं शेयर करूंगा हर एक विजिटर के अंदर मेरी टीम के रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहला जो फर्स्ट पॉइंट है सर ने बताया स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्स को डेवलप करना हमारा पहला पॉइंट हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ हमारा कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। जैसे भी तुमने लेटर मैसेज देखे गए थे गुस्से के ऊपर कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा मेरी टीम के अंदर जो डाउन एंड छोटी सी गलती करते खड़खड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, सर मेरी पहले कमी थी। आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज रिमूव कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को क्या लगा कि गुस्सा एक उस तेजाब की तरह है जिस चीज पर गिरता है उसे तो नुकसान पहुंचाता ही है, पर जिस बर्तन के अंदर वो रहता है उसे खत्म ही करना चाहता है। एक चीज और, कंट्रोल गुस्से के साथ हमारे माइंड के ऊपर भी होना चाहिए। बिकॉज कुछ लोग वर्क करते हैं गर्ल्स के अंदर कैरेक्टर की, एक बात बताना चाहूंगा सर, काफी टाइम हो गया इसके अंदर लेकिन अभी तक मैं कैरेक्टर की बात करूं तो 110% प्योर है, 0% भी कोई 0%। एंड के अंदर सर स्टार्टिंग हुई थी इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन आज एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अपने जैसे अभी दसवंत पूजा जी भी बता रहे थे कि महावीर सर की उस लाइक से कुछ आ रहे हैं, लीडर से बोल रहे थे कि प्रशांत मीना जी, प्रशांत मीना जी सर। एंड एक चीज बोल रहा हूँ, ये प्रॉमिस है सर हमारा, चाहे कोई भी टीम आए मीना ब्रदर्स को कम्पीट नहीं कर पाएगी, ये वादा है हमारा। कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको क्या सोच के करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अरे लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे। लोग सोचते क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक चीज, मैं एक इमेज क्रिएट करूंगा आपके माइंड के अंदर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना कि अगर मान लो आज हम कुछ अच्छा नहीं करते हैं चाहे इमेज के अंदर बाहर कहीं भी, आज तो हम लोगों की परवाह कर रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा। सपोज दैट आज से कुछ सालों बाद आप जा रहे हैं बाइक के ऊपर स्प्लेंडर प्लस या फिर प्लैटिना, हो सकता है यूज नहीं करेंगे तो वही मिलेगा, उसके ऊपर जा रहे हैं पापा जी आपके पीछे वाली सीटें बैठे हैं एंड वो क्या देख रहे हैं सड़क के ऊपर साइड में एक मर्सिडीज जा रही है जिसके उनके दोस्त की मर्सिडीज है, दोस्त की नहीं है, दोस्त के बेटे के पापा जी के फ्रेंड के बेटे की मर्सिडीज है, बेटा चला रहा है पापा जी साइड में बैठे हैं, उस समय पापा जी आपके बारे में क्या सोचेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। लोगों की परवाह करते हैं, लोगों का एक ही डायलॉग घुमा फिरा के चादर देख के पैर पसारो, अब उनको कौन बताए, लोग क्या बोलते हैं छोटी चादर हो तो पैर बाहर नहीं जाने चाहिए, पर अब उनको कौन बताए कि मार्केट में बड़ी बड़ी चादर भी आ गई है क्या, चादर से बाहर पैर ऐसे ही नहीं जाते, चादर से पैर बाहर तभी जाते हैं उसूलों से पड़े जब थोड़ा बन जाते हैं। लास्ट टाइम मनीष सर आए थे, मनीष सर का नाम है और जबरदस्त बहुत होना चाहिए मनीष सर के लिए। मनीष सर लास्ट टाइम बोलता है IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, वो बनना बहुत जरूरी है। शायद पहले डेटा बेटे काफी समय से मैं इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर रहा हूँ, बिकॉज इसलिए पहले का तो बिजनेस इतना आसान नहीं हुआ कि अभी तो मैं कर रहा हूँ, वो द्वारा मैं इंडिपेंडेंट होकर वर्क कर रहा हूँ। और ये इंडिपेंडेंसी इतनी क्यों जरूरी है हमारे लाइफ के अंदर, एक छोटी सी स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी पर ध्यान लगा कि सुनिएगा उसके लिए आपको क्लियर होगा कि लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। एक बार क्या होता है, हिंदुस्तान के अंदर एक सर्कस चला करता था एंड उस सर्कस के ऊपर बैन लगाया गया, कारण क्या था कि वहां पर जानवरों को टॉर्चर किया जा रहा था, तो शायद सर्कस के ऊपर बैन लगाया गया तो जो सर्कस का इनकम शॉर्ट था वो सारा खत्म हो चुका था। सर्कस वालों ने क्या सोचा
कि अपनी पॉकेट से पे नहीं करेंगे क्या कि शेर वहां पे कुछ शेर थे कुछ हाथी थे कुछ हिरण थे जो कि बिना बनाया शेर तो मीट खाया करते थे एंड हाथी एंड हिरण ये लोग चारा खाया करते थे तो सेकंड बार में क्या होता है कि अपनी पॉकेट से पे नहीं करेंगे इनको जंगल में छोड़ते हैं कम से कम खट्टा तो बच जाएगा। तो उन्होंने उन सरकस को उन शेरों को एंड हाथियों को जंगल के अंदर छोड़ दिया एंड कुछ दिन बाद न्यूज क्या आई उस जंगल से कि जिन कुछ शेरों को वहां छोड़ा गया था उनमें से आते थे ज्यादा शेरों को कुत्ते खाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है कुत्ता कैसे शेर को खा सकता है बिकॉज शेर बना बनाया मीट खाने के आदि हो चुके थे कुत्तों ने सोचा भूख से मर रहे के शिकारी बन जाते लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे क्योंकि आदम जहां से अजमेर से सर्कस के शेर में हम जंगल के शेर बन के जाएंगे जंगल के कुछ लोग क्या सोचते हैं क्या वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करता बिकॉज उनको लगता है मेरी सेल नहीं बनेगी सर मैं सेल नहीं बना सकता वो लगता है कि आप लाइन को सेल बना के दे सकती है मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि जो आपकी अपलाइन कर सकती है वो आप नहीं कर सकते लेकिन 110% डेंट शोर हूं कई बार जो आप कर देते हैं वो आपके अपलाइन सोचा भी नहीं लीडरशिप ऑफ मिस्टर रोहित चोपड़ा जी क्योंकि मैंने हर पॉइंट के ऊपर इंडिपेंडेंटली बिजनेस किया है तीन सर यहाँ पे बैठे हैं शतरात मेरे पास सर मेरे पास आपका कोई कभी कभी आते हैं लेकिन मैंने देखा हर पॉइंट के ऊपर आपने अपने लेवल के ऊपर किया है इंडिपेंडेंट होकर मैं सर इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस करना चाह रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ आपको कहना एंड बहुत जल्दी तो दिस इज टाइम स्टैंडिंग आउट फिर मिलेंगे नए लेवल नए यकीन मकसद थैंक यू सो मच।